Hello students, in today's lecture we will discuss about the classification and examples of class Mammalia. You know that the class Mammalia is the very important class in the animal kingdom. It is the highest developed class of the phylum Chordata, and phylum Chordata is also the very evolved phylum as compared to other phylum. तो अब हम क्लास मैमेलिया के क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो मैमेलिया इज द लार्जेस्ट क्लास इन द एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ डेवलप फॉर्म ऑफ एनिमल, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ नंबर. इफ वी डिस्कस अबाउट द इन टर्म्स ऑफ द नंबर, तो फाइलम अर्थ्रोपोडा की जो क्लास है इंसेक्टा, वो सबसे बड़ी क्लास है. बट यदि हम इवॉल्व एनिमल्स के बेस पे बात करें, हाईली डेवलप एनिमल के बेस पे बात करें, तो हम क्या देखते हैं कि क्लास मैमेलिया के एनिमल एज कंपेयर टू अदर क्लास आपको सबसे ज्यादा डेवलप देखने को मिलेंगे. अब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन क्लास मैमेलिया को तीन क्लास में क्लासिफाइड किया जाता है, वो है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया. तो इस तरह से तीन सब क्लास में क्लास मैमेलिया को क्लासिफाइड किया जाता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द प्रोटोथीरिया. प्रोटोथीरिया, तो स्टूडेंट्स यह सब क्लास हमारे क्लास मैमेलिया का सबसे पुराना क्लास है, सब क्लास है. मतलब कि जब क्लास मैमेलिया के एनिमल का फॉर्मेशन हो रहा था, तो सबसे पहले जो एनिमल बने वो फाइलम, सॉरी वो सब क्लास प्रोटोथीरिया के अंदर आते हैं. इसमें ऐसे एनिमल आते हैं क्लास मैमेलिया के जो कि एग लेइंग होते हैं, जो अंडे देने वाले होते हैं, और उनके जो अंडे होते हैं वो मेगालिसिथल होते हैं, मतलब कि उनमें यॉक का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है. इनमें मेमोरी ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी, पर मेमोरी ग्लैंड्स में आपको निप्पल्स जो होते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे. इनमें गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है मेल के अंदर, मतलब मेल में भी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, और अलोंग विद द फीमेल मेल भी अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं. तो इट्स अ यूनिक कैरेक्टर इन एनिमल किंगडम जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब कि मेमोरी ग्लैंड्स आर फंक्शनल इन फीमेल एज वेल एज मेल, दोनों में आपको मेमोरी ग्लैंड्स आपको डेवलप देखने को मिलेंगे. इट्स अ यूनिक कैरेक्टर, और कहीं देखने को ये कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा. उसके बाद जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि मैमल्स में एलिमेंटिक एनाल में आपको जो लास्ट पोर्शन होता है वहां पे आपको एनस देखने को मिलता है, पर प्रोटोथीरिया में आपको एनस देखने को नहीं मिलेगा. एनस की जगह यहाँ क्या देखने को मिलेगा, आपको क्लोइका देखने को मिलेगा, ठीक है. अब टेस्टिस जो होते हैं जनरली मैमल्स में आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, और ये टेस्टिस कहाँ होंगे, आपने ऐसा देखा था कि टेस्टिस जो होते हैं वो बेसिकली बॉडी के बाहर स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं, पर आप प्रोटोथीरिया में ऐसा नहीं देखेंगे. यहाँ पे आप देखेंगे टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो एब्डोमेन है उसके अंदर आपको ये टेस्टिस देखने को मिलेंगे. उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर, जो ईयर पिन्ना है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इसके अलावा आपको जो कॉकलिया है उसमें कॉइलिंग कम देखने को मिलेगी. मैमल्स की खासियत होती है कि उसका जो कॉकलिया होता है उसमें कॉइलिंग ज्यादा देखने को मिलती है. यू नो डेट कॉकलिया इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर. मैमल्स में ईयर जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, ठीक है. तो यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर नहीं है क्योंकि पिन्ना नहीं है. उसके बाद यहाँ पर जो है कॉकलिया जो है वो भी लेस कॉइल है, लाइक द रेप्टाइल्स, ओके. उसके बाद कॉर्पस कैलोसम या ब्रेन का एक पोर्शन होता है, ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट करता है, उसे हम कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं. तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता. इनमें जो है आपको तितली देखने को नहीं मिलते हैं, इनमें बीक देखने को मिलती है, टूथलेस. बीक ये बर्ड्स का कैरेक्टर, तो
तो वो यहां देखने को मिल रहा है, इट्स ए यूनिक ना। उसके बाद टीथ देखने को मिलते हैं, पर चाइल्ड में देखने को मिलते हैं, बट एडल्ट में टीथ खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होम्योथर्मिक एनिमल होते हैं। ये एनिमल आपको बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, न्यू गायना में देखने को मिलेंगे और तस्मानिया में देखने को मिलते हैं ये एनिमल। और इन एनिमल को हम बेसिकली कनेक्टिव लिंक मानते हैं बिटवीन द रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच ही कनेक्टिव लिंक मानते हैं। और इसके काफी दो तीन पैटेंट एग्जाम्पल्स है, मैं जरा उसके बारे में बता दूं आपको। एक तो है ऑर्निथोराइनकस। ऑर्निथोराइनकस का जो कॉमन नेम है वो डगविल प्लेटिपस है, और इसमें आपको पॉइजन ग्लैंड देखने को मिलेगी। और दूसरा जो पैटेंट एग्जाम्पल है इस सब क्लास का वो है हमारा टेक्लोग्लॉसस या इडीना या फिर स्पाइडर एंड स्पाइनी एंटीटर, उन्हें हम देख लेते हैं। चलो देखिए ये हमारा जो है कौन है, ये ऑर्निथोराइनकस है, इसे हम डगविल प्लेटिपस के नाम से जानते हैं। तो देखो आपको इसमें बीक दिख रहा है आगे, बीक में दो आपको छोटे छोटे हॉल दिख रहे हैं, और एक पॉइजनस जो है आपको यहाँ पर एक स्फिंक्स आपको देखने को मिलेगा, एक पॉइजन जो है आपको एक स्पाइन देखने को मिलेगा जो कि बैक लेग के पास में प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल होते हैं, इनोसेंट एनिमल दिखाई देते हैं ये। पर मैमल में अकेला ये एनिमल अकेला है जो पॉइजनस है, बाकी और कोई एनिमल पॉइजनस नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, डगविल प्लेटिपस। ये छोटे मोटे इंसेक्ट को फीड करता है। दूसरा है हमारा एनिमल है इडीना या स्पाइनी एंटीटर। इसे देख लीजिए, ये एनिमल जो है एंटीटर है, मतलब कि ये एंट्स को फीड करता है, एंट्स को खाता है। और इसकी जो टंग होती है काफी लंबी होती है, वायर जैसे टंग होती है ये, और काफी स्टिकी टंग होती है। तो ये क्या करता है कि हमारे जो चींटियों के बिल के पास जाता है और उसमें जाके अपनी लंबी सी स्टिकी टंग को अंदर डाल देता है। चींटियां जो होती है, जो एंट्स होती है, वो इसकी टंग से चिपक कर जो है बाहर आ जाती है और उन्हें फीड कर लेता है, खा लेता है ये। आप में से कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे ना जो हाथ पे शुगर को लेकर टंग से खाते थे, चिप खाते होंगे ना छोटे में, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो है एंट्स को फीड करता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद हम बात करेंगे मेटाथीरिया के बारे में। मेटाथीरिया या इसे हम मार्सुपियल एनिमल के नाम से भी जानते हैं। अब इन एनिमल का एक खासियत होता है कि इनका जो एब्डोमेन वाला पोर्शन है उसमें एक पाउच प्रेजेंट होता है, और इस पाउच को हम मार्सुपियन पाउच के नाम से जानते हैं। और ये एनिमल इमैच्योर चाइल्ड को बर्थ करते हैं, और इमैच्योर चाइल्ड का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है ना वो इस मार्सुपियन पाउच में होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स में आपको निप्पल्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। और इसकी जो मेमोरी ग्लैंड्स इस तरह से प्रेजेंट होती हैं कि मार्सुपियन पाउच में जो चाइल्ड प्रेजेंट है वो उसी पाउच के अंदर बैठा बैठा जो है आराम से मिल्क फीड कर सकता है, ठीक है। इसमें पेनिस जो होता है बाइफिड होता है या बाइलोब्ड होता है, मतलब आपको एक पेनिस की जगह आपको दो जुड़े हुए पेनिस दिखाई देंगे यहाँ पर, और आपको यहाँ पर दो विजाइना भी देखने को मिलेंगी, दो क्लाइटोरिस भी देखने को मिलेंगी, और दो यूरेटर भी देखने को मिलेंगे, यूटेराई भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको बड़े ही यूनिक फीचर्स हैं जो कि इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलते हैं। इनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, उसमें भी यॉक से एक अच्छा डेवलप देखने को मिलता है। यहां पर कोक्लिया जो होता है जो कि इनर ईयर में देखने को मिलता है, यह सुनने का काम करता है, जो लिसनिंग का काम होता है वो तो कोक्लिया से होता है। वो तो काफी ज्यादा कॉइल प्रेजेंट होता है लाइक एक्चुअल मैमल्स। टीथ इसमें एनिमल में प्रेजेंट होते हैं पर वो मोनोफायोडेंट होते हैं, मतलब लाइफ में केवल एक ही बार ग्रो होते हैं। हेटरोडेंट होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ जो है यहाँ देखने को मिलेंगे।
इन एनिमल में कॉर्पस कैलोसम अब्सेंट, प्रोटोथीरिया में भी कॉर्पस कैलोसम अब्सेंट था, इनमें भी कॉर्पस कैलोसम अब्सेंट है। और इनमें आपको सबसे कॉमन एक बड़ा पेटेंट एग्जाम्पल है इस सब क्लास का, वो है हमारा मैक्रोपस। मैक्रोपस मीन्स होता है कैंगरू। तो ये देखा होगा आपने, डायग्राम तो कम से कम देखा ही होगा इसका। ये काफी हैवी एनिमल होते हैं, इनका जो वेट होता है वो करीबन 60 केजी से लेकर 120 केजी तक या 150 केजी तक इसका वेट हो सकता है। ये मैच्योर चाइल्ड को बर्थ करते हैं और चाइल्ड का फर्दर डेवलपमेंट, इनके एब्डोमेन के अंदर एक कैविटी है जिसे कि मार्सुपियन पाउच के नाम से जानते हैं, उसमें फर्दर डेवलपमेंट चाइल्ड का होता है। इनके फोर लिंब छोटे होते हैं, हिंड लिंब काफी बड़े होते हैं। यह एक तरह की जंपिंग मूवमेंट करते हैं, ये नॉर्मली चार पैरों से नहीं चल सकते हैं। ये अर्बोरियल लाइफ के लिए अडॉप्टेड है, मतलब पेड़ों पे जो लाइफ होती है उस लाइफ को सरवाइव करने के लिए अडॉप्टेड होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक्चुअल मैमल की, ट्रू मैमल्स की, जैसे कि हम सब क्लास यूथेरिया में इंक्लूड करते हैं। तो अभी तक हमने सब क्लास प्रोटोथीरिया पढ़ ली, सब क्लास मेटाथीरिया पढ़ ली, और अब हम बात कर रहे हैं सब क्लास यूथेरिया के बारे में। तो यूथेरिया के जो एनी मेंबर्स होते हैं, दीज आर द ट्रू मैमल्स, ठीक है। ये एक मैच्योर चाइल्ड को बर्थ करते हैं, इनमें ट्रू प्लेसेंटा देखने को मिलता है। और प्लेसेंटा में भी देखो चार, आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन चार होती है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कौन कौन सी, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और योक्सैक। इन मैमल्स में क्या होता है कि एलेंटोइस और कोरियन मेम्ब्रेन काफी ज्यादा डेवलप होता है, इसमें जो आपको प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। अब देखो, अब प्लेसेंटा कौन सा देखने को मिलेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। देखो ये ह्यूमन के हम प्लेसेंटा को लेके बात करें, तो सबसे बाहर का कौन सा है, कोरियन। उसके बाद आप देखेंगे कोरियन और हमारा ये एलेंटोइस, ये भी काफी कुछ डेवलप है। तो एरेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा या कोरियोनिक प्लेसेंटा इनमें देखने को मिलता है। तो आपको क्या दिखाई देगा इसमें, इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो एरेंटोकोरियोनिक टाइप का होता है, या एरेंटोइस भी कम डेवलप है। तो कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि कोरियोनिक टाइप का प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। निप्पल्स इसमें वेल डेवलप होते हैं अलोंग विद द मेमरी ग्लैंड्स। इसमें यूटेरस और वजाइना सिंगल होता है, मेटाथीरिया में आपने डबल डबल देखे थे, ठीक है। उसके बाद इनमें वन वजाइना प्रेजेंट होती है, मेल में सिंगल पेनिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें कोक्लिया हाईली कॉइल्ड होता है जो कि लिसनिंग ऑर्गन है, इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होता है। कॉर्पस कैलोसम इनके ब्रेन में प्रेजेंट होता है बाय बर्थ, और एक कंप्लीटली एंडोथर्मिक एनिमल है, मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। और यूथ एरिया को 16 ऑर्डर्स में डिवाइडेड किया गया है, कुछ कुछ बुक्स में 18 ऑर्डर्स भी मेंशन है जिसमें इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। एग्जांपल ये हमारे एनसीईआरटी मेंशन है, पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल जो मेंशन है उसमें हमने क्या पढ़ा, ओविपेरस्कोन था, ऑर्निथोराइनकस जो कि प्रोटोथीरिया में आ रहा था, विवपेरस में बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब विवपेरस हैं। जैसे कि हम बात करें किसके बारे में, टेरोपस, या इसे हम फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स ये जो एनिमल होता है इसमें क्या होता है कि एक स्किन का फोल्ड होता है जो कि फोल्ड लिम और इसकी बॉडी के बीच में प्रेजेंट होता है, और इस फोल्ड का यूज ये फ्लाइट के लिए करते हैं, उड़ने के लिए करते हैं। ये दिन में आराम करते हैं, रात में जो है ये अपना शिकार करते हैं। तो टेरोफस को हम फ्लाइंग फॉक्स या इसे हम बैट के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको चमगादड़ बोला जाता है। तो स्टूडेंट आप देखिए इनका माउथ जो होता है वो आपको डॉग की तरह दिखाई देगा, ठीक है। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, इनमें कोई विंग्स नहीं होते हैं, ये मैमल्स हैं। दिन में पेड़ों पे आराम करते हैं या केव्स के अंदर आराम करते हैं,
और रात में ये जो शिकार करते हैं, इसमें तीन बड़ी कॉमन वेराइटी है। एक तो स्मॉल साइज के फॉक्स होते हैं, फ्लाइंग फॉक्स होते हैं, जो कि छोटे मोटे इंसेक्ट को खाते हैं। बड़े साइज के जो फॉक्स होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, और लेटिन अमेरिकन कंट्री में कुछ फॉक्स देखने को मिलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स देखने को मिलते हैं, वो कि सैंगिवोरस होते हैं, मतलब कि ब्लड सकिंग टाइप के होते हैं। तो वहां पे मान लीजिए कोई पर्सन, मान लीजिए छत पर सो रहा है, बाहर सो रहा है, तो ये फ्लाइंग फॉक्स वहां पे आके उसका ब्लड सक कर जाएंगे, उसको पता भी नहीं पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जैसे रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से फैलता है, उसी तरह से लेटिन अमेरिकन कंट्री में जो रेबीज होता है वो इनकी वजह से स्प्रेड होता है। इनकी वजह से, फ्लाइंग फॉक्स की वजह से। तो वहां के जो बेट होते हैं जो ब्लड सकिंग करते हैं, उन्हें हम वेम्पायर बेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कमेलस। कमेलस मतलब कि कैमल। कैमल इसे शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ये डेजर्टिक एनवायरमेंट में रहने के लिए पूरी तरह से अडॉप्टेड होते हैं। इनके ऊपर हेयर्स बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि इंसुलेटर ऑफ हीट है। इनको स्वेट भी बहुत कम आता है, 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर बहुत स्वेट आता है। इनका फीकल मैटर बहुत ड्राई होता है, इनमें यूरिन भी बहुत कम करते हैं, और ये अपनी बॉडी में वाटर को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, और बिना खाए पिए कम से कम 8-10 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इनके पैर जो होते हैं नीचे जाके फ्लैट होते हैं, जो कि रेत पर चलने के लिए अडॉप्टेड है, ठीक है। हमारे जो कैमल होते हैं इनमें आपको एक हम्प देखने को मिलेगा, और इस हम्प में जो फूड मटेरियल स्टोर होता है, इंडियन जो कैमल होते हैं उनमें एक सिंगल हम्प देखने को मिलता है, बट अरेबियन और सहारा जो कैमल होते हैं उनमें आपको डबल हम्प देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के खानदान का एक एनिमल है जिसका नाम है लामा। लामा जो है कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है, और यह भी कैमल जैसे ही होता है, पर साइज में इससे छोटा होता है। नेक्स्ट है मकाका, मतलब कि मंकी। इसकी कई वेराइटियां वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं। कुछ का माउथ रेड होता है, कुछ का माउथ जो होता है ब्लैक होता है, और ये प्राइमेट्स में आते हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स में आते हैं। इसी के अंदर ह्यूमन को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इनमें आप देखिए इनका फेस काफी हद तक ह्यूमन से मिलता जुलता दिखाई देगा। वर्ल्ड के कुछ रीजन में इनको खाया भी जाता है, कुछ ट्राइब्स और चाइना के अंदर लोग इनको फीड भी करते हैं, खाते भी हैं। अब हम बात करेंगे एलिफेंट के बारे में। टेरिस्टल एनिमल में सबसे बड़ा एनिमल यदि कोई है तो वो एलिफेंट है। एलिफेंट के जो एंसेस्टर थे वो मैमोथ थे, जो आइस एज या कोल्ड एज में देखने को मिलते थे, जो कि ग्लेशियर के ऊपर रहते थे। हमारे एलिफेंट्स की दो बड़ी कॉमन वेराइटी हैं। एक तो एशियाटिक एलिफेंट जो आपको दिख रहा है, ये हमारा एशियाटिक एलिफेंट है, और दूसरा होता है अफ्रीकन एलिफेंट। एशियाटिक एलिफेंट बेसिकली ब्लैक कलर का होता है, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। एशियाटिक एलिफेंट कंप्लीटली छोटा होता है, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट कंप्लीटली बड़ा होता है, ठीक है। तो दोनों में ये फंडामेंटल डिफरेंस है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि व्हाइट एलिफेंट भी देखने को मिलता है क्या? नहीं, व्हाइट एलिफेंट देखने को नहीं मिलता है। ये अफवाह है कि म्यांमार में, थाईलैंड में व्हाइट एलिफेंट देखने को मिलता है, है पर उनके वो मिथ में है, एक्चुअल में नहीं है। फेलिस मतलब कैट। कैट की कई वेराइटियां वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं। कुछ वेराइटियां जो होती हैं ये डोमेस्टिकेटेड भी है, जिनको लोग पालते हैं, ठीक है। तो फेलिस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कैट। अब उसके बाद कैनिस। कैनिस मतलब डॉग। दुनिया में डॉग की कई वैरायटी देखने को मिलती हैं। जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था तो स्टोन एज जिसमें ह्यूमन स्टोन टूल्स का यूज करता था, उसे शायद हिंदी में पाषाण युग या फिर आसम युग के नाम से जानते हैं, तो उस समय
सबसे पहली बार ह्यूमन ने जिस एनिमल को डोमेस्टिकेटेड किया था वो एनिमल डॉग ही था। उसके बाद नेक्स्ट है रैटस, मतलब रैट। रैट जो होते हैं ये हमें काफी ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज भी पहुंचाते हैं कई ट्राइब्स वर्ल्ड में, और हमारे चाइना के कई रीजन्स में इन्हें खाया भी जाता है, खाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो ये इनमें जो टीथ होते हैं वो लाइफ में कई बार ग्रो होते हैं। ये जो चाइल्ड प्रोडक्शन करते हैं उसकी इफिशियंसी में काफी ज्यादा होती है, ये बहुत तेजी से अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। हमारे एनवायरमेंट में कई बर्ड्स और स्नेक इनकी पॉपुलेशन को रेगुलेट करके रखते हैं। कई बार कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं यदि स्नेक खत्म हो जाए तो क्या होगा। स्नेक खत्म हो जाएंगे तो चूहों का जो नंबर है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है, हमारी जो क्रॉप है उसका लॉस बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट है इक्वस। इक्वस मतलब होता है हॉर्स। इसे भी ह्यूमन ने डोमेस्टिकेटेड किया था। इसका यूज पुराने जमाने में ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता था। आपको महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो याद ही होगा, क्या नाम था उसका? चेतक। अब डॉल्फिन, साइंटिफिक नेम इसका डॉल्फिनस। ह्यूमन के बाद नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यदि कोई एनिमल अर्थ पर है तो वो ऐप नहीं है, बंदर नहीं है, वो डॉल्फिन है। डॉल्फिन में फोर लिम्ब जो होते हैं वो स्विमिंग के लिए पैडल में मॉडिफाइड हो जाते हैं। ये काफी समझदार एनिमल होता है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन आप देख रहे हैं, डॉल्फिन में देखिए इसमें माउथ है, ये पैडल है जिनका यूज स्विमिंग के लिए करते हैं ये। नेक्स्ट एनिमल है बेलेनोप्टेरा। बेलेनोप्टेरा मतलब ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल अर्थ का सबसे बड़ा एनिमल है, ये एक्वेटिक एनिमल है, और इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 30 मीटर समथिंग होती है, या 97 या 100 फीट इसकी लंबाई होती है। आप सामने डायग्राम में व्हेल और एलिफेंट के बीच के साइज को आप कंपेयर कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एलिफेंट की कंपेयर में व्हेल का जो साइज होता है वो कितना बड़ा होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है पैंथरा टाइग्रिस, मतलब कि टाइगर। टाइगर की कई वैरायटी वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं, जैसे कि सुमात्रन टाइगर जो सुमात्रा के रीजन में देखने को मिलता है, मलय टाइगर जो मलेशिया इंडोनेशिया की साइड में देखने को मिलता है, साउथ चाइना टाइगर जो साउथ चाइना में देखने को मिलता है, उसी तरह से बंगाल टाइगर, साइबेरियन टाइगर और इंडो चाइनीज टाइगर, कई इसकी वैरायटी जो है टाइगर के देखने को मिलती हैं। टाइगर कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी दौड़ने की स्पीड काफी अच्छी होती है, ये 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से दौड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पैंथरा लियो, मतलब कि लॉयन। ये इसे हम जंगल के राजा के नाम से भी जानते हैं। इसका जॉ जो होता है वो काफी पावरफुल होता है। इसमें मेल के फेस के चारों तरफ एक हेयर्स का एक आपको सर्कल देखने को मिलेगा, जिसे कि हम करोना के नाम से जानते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर अपसेंट होता है। यहाँ पर मेल जनरली काफी आलसी होते हैं क्योंकि फीमेल काफी एक्टिव होते हैं। और लॉयन भी अपने इरिजन को मार्किंग करते हैं, ये यूरिनेशन के थ्रू अपने रीजन को मार्क करते हैं। आपने देखा है ना कि गली मोहल्ले में कुत्ते जो होते हैं वो भी अपने एरिया को मार्क करते हैं बाय द यूरिनेशन।
कई बार देखा हो आपने कुत्तों, कुत्ते कोई स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट अपने रीजन में देखते हैं, अपने मोहल्ले में देखते हैं, तो उसके ऊपर वो यूरिन करके चले जाते हैं। मान लीजिए कोई कुत्ता नए रीजन में पहुंचता है, नए किसी मोहल्ले में पहुंचता है, तो दूसरे कुत्ते की यूरिन के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि किसी दूसरे कुत्ते का रीजन है या नहीं। ठीक, ऐसी एक्टिविटी जंगल में हमारा लॉयन भी करता है। देखो इंटरेस्टिंग है ना स्टूडेंट। तो ये हमारी कैट फैमिली बहुत विशाल है, तो देखिए इसमें कितने ढेर सारे मेंबर आते हैं कैट फैमिली के अंदर। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन का जो साइंटिफिक नाम है वो है होमो सेपियंस। सेपियंस का मतलब होता है ब्रिलियंट, और सही जो साइंटिफिक नेम है उसमें दो बार सेपियंस सेपियंस लगाया जाता है, क्योंकि हम एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, चतुर हैं। तो हमारा साइंटिफिक नेम क्या हो गया, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश। आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे मेरे को वो सेंड कर सकते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं मैमल्स पर, उससे क्रॉस टेस्ट हो जाएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो वो हम देख लेते हैं।